साथियों, ये रागनी आपके बीच में एक बैल और किसान के बीच का हवाला कि एक किसान के घर में गौ माता होती है जिसने सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। किसान ने बड़ी खुशी मनाई और जितनी खुशी घर में बेटे की होती है उतनी खुशी उस गौ माता के बछड़े के जन्म के उपलक्ष्य में किसान के घर में हुई। किसान ने लाड प्यार से पाला, बछड़ा बड़ा हो गया, 1.5 साल का हो गया। किसान ने नाद गढ़वा दी और एक गाड़ी बना ली, एक कोल्हू बना लिया और एक खेती बाड़ी के लिए हल बना लिया और पूरा काम उस बैल के सहारे से खेती बाड़ी का किसान कराया करता। जब उस बैल ने पूरी जिंदगी किसान के साथ बिता दी और जब वो बूढ़ा हो गया, चलना फिरना बस की नहीं रहा, तो एक दिन बैल उसके साल में बैठा बैठा अपने मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक कसाई आया, किसान ने उस कसाई को बुलवाया और बैल का सौदा करने लग गया। जब बैल का सौदा वो किसान कसाई से कर रहा है तो सारी बातें बैल बैठा बैठा सुन रहा है। और जब वो किसान बैल के पास आया तो बैल की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई और अपने मालिक किसान से क्या कहता है बाकी हवाला रागनी में सुनेगा। आई हो तेरा बेटा बन के मन टहल करी सेवा मन जब तक सेवा करी तेरी, मन जब तक सेवा करी तेरी मैं पूरी तरिया डटिया नहीं, तेरी खुशी में खुशी
नहीं, दिल तेरी ओढ़ के हटा नहीं, चाहे वही दोपहरी जोड़ दिया मैं तेरे काम ने नटा नहीं, आज कसाई मन लिखेगा जब मन